आपके सामान पड़े हुए सारे सर, हम घर से बेघर हुए, हम घर से बेघर, हमारा सब कुछ डिमोलिशन हो रही है। डिमोलिशन में मेरे घर की अलमारियां तोड़ दी, मेरे लॉकर्स तोड़ दिए। डिमोलिशन में आप दीवारें तोड़ोगे ना या जमीन तोड़ोगे, फ्लोर तोड़ोगे? हाउ कैन इट इज पॉसिबल? यू आर ब्रेकिंग माई वॉल, यू आर ब्रेकिंग माई लॉकर्स जिसमें मेरा कीमती सामान है। शुएब दानिश यहाँ के मौजूदा काउंसिलर है, नहीं आए सर। और कॉन्टेक्ट, और सर सबसे कॉन्टेक्ट हुआ है, सबको पता है, हो रहा है, सबको बुलाया गया है, इन्वाइट करा गया है सबको। तो सर मैं एक बात कह रहा हूँ, वो समझ जाए जिनको मैं कह रहा हूँ, जो पान चबा कर मुस्कुरा रहे हैं और इधर की बात उधर करते हैं, जो भी लोग होंगे वो, तो आज मेरे घर पे बात आई है, कल को आपके घर पे आएगी तो दूसरे लोग भी पान चबा कर वही पीक थूकेंगे। उंगली कर करके, उंगली करके इन्होंने करवाया, वरना कोर्ट में क्या मतलब, क्या चल रहा है? वरना यहाँ तो पीछे ही फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इन्हीं आके तोड़ रहे। कोई नोटिस नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई नोटिस ही नहीं था। नोटिस लगाया और बस निकाला उन्होंने नोटिस। दोस्तों मैं भी हूँ ओखला बटला हाउस मुरादी रोड पर। जैसा कि आपको हमने कल दिखाया था कि इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया गया था, आज डे टू है और यहाँ पर तीन बिल्डिंगों को आज डेमोलिश किया गया है, जिनमें से ये बिल्डिंग है और एक उस तरफ है और एक तीसरी बिल्डिंग ये है। तीनों बिल्डिंगों को ध्वस्त किया गया है और जो कल इस बिल्डिंग को ध्वस्त किया था, डेमोलिश किया गया था, आप देख सकते हैं वहाँ के सारे निवासी जो हैं बाहर बैठे हुए हैं, इनके लिए कोई रहने की जगह नहीं है। इतनी गर्मी शिद्दत की है, 50 डिग्री सेल्सियस दिल्ली में, उसके बावजूद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर रहने के लिए कोई सुविधा नहीं दी गई है, बाहर सारे के सारे लोग रह रहे हैं। कितनी बुरी तरीके से डैमेज किया गया ये देख लीजिए। यहाँ पर शूज़ की एक दुकान थी, कि अजान मार्केट है यहाँ पर कलेक्शन, ये बारात घर से 10-20 मीटर की दूरी पर ज़्यादा से ज़्यादा ये बिल्डिंग्स हैं। तीनों बिल्डिंगों को यहाँ पर बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया, समझ लीजिए रहने के लिए बिल्कुल लायक नहीं है। एक तो पहले से और आज इस बिल्डिंग को आप देख सकते हैं, यहाँ पर अभी अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से पुलिस गई है, इससे पहले मैं शूट नहीं कर पाया लेकिन अभी पुलिस गई है, उसके बाद मैं आपको दिखा सकता हूँ कि हालात किस तरह से। लोग यहाँ पर खौफजदा हैं कि अगला नंबर किसका आ सकता है, परेशान लोग हैं यहाँ पर। आप इस गली को देख लीजिए, मुरादी रोड है, बहुत बिजी रोड, और आज देखिए हालात किस तरह के हैं यहाँ पर। सारा मलबा पड़ा हुआ है, आने जाने लायक नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग आज तोड़ी गई थी। सामने ये देखिए, तो आपको दिखा दूं, ये अजान मार्केट के ऊपर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग को भी आज डैमेज किया गया। और ये देखिए तीन बिल्डिंग यहाँ पर, और ये मलबा आप देख सकते हैं, काफ़ी मलबा उठा भी लिए गए हैं और अभी इतना मलबा है कि लोग आ जा नहीं पा रहे। तो यहाँ पर लोगों की आवाजाही भी बंद है अभी फिलहाल, और बहुत परेशान है लोग, क्या करें। पूरी वीडियो में बने रहिए, यहाँ के लोकल निवासी से बात करेंगे क्यों ऐसा हुआ है, मैं बात करूंगा, यहाँ जो खाली कराया घर उन लोगों से ही बात करके आपको दिखाऊंगा कि वजह क्या रही, क्यों ऐसा किया गया। जानता हूँ मैं लॉ का स्टूडेंट हूँ, मैं ये नहीं कह रहा, मैं आप लोगों से बता रहा हूँ कि यहाँ पर आप लोग सब अवेक हो जाओ, सब जाग जाओ कि यहाँ पर जो ये चीज हो रही है। सुनिए भाई क्या कह रहे हैं, भाई आगे आइए, आप भाई को इमरान भाई आगे, यहाँ के जो लोकल लोग है उंगली करके इन्होंने करवाया, वरना कोर्ट तो क्या मतलब, क्या चल रहा है? वरना यहाँ तो पीछे ही फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इधर भी फ्लैट है, इन्हीं आके तोड़ रहे। कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करती है पहले, उसके बाद ही कुछ, कहाँ नोटिस मिला इनको, इनको ना नोटिस मिला ना कुछ मिला। इनका घर में 2 दिन पहले पेंट का काम खत्म हुआ और 2 दिन के बाद ये लोग चले आए, तो आपने नोटिस दिया इनको और कल यहाँ चिपका दिया एक नोटिस, कैसे काम किया? पहले आपके पास नोटिस आया, 5 मिनट में नोटिस लगाया, मेरे पास सीसीटीवी फुटेज है, 5 मिनट में इन्होंने, 11 तारीख थी कल, 11 जून को इन्होंने नोटिस लगाया और 5 मिनट बाद इन्होंने मेरा गेट तोड़ना चालू कर दिया और घर में घुस गए और मेरी पूरी फैमिली को बाहर फेंक दिया सामान के साथ। कल तो ये तोड़ा गया था ऊपर से, आज क्या कार्रवाई? आज फिर घुस गए, आज फिर तोड़ा, आज नीचे से तोड़ दिया, ये पूरा तोड़ दिया सर, कसर बाकी था पूरा कर दिया। और कल जो अब कसर बाकी थोड़ी होने लगेगी तो वो भी कर देंगे, और किसी और का कसर बाकी लगेगी, इसकी लगेगी, इसकी लगेगी, ये कर देंगे, करेंगे सर वो, क्योंकि यहाँ के लोग उन्हें हावी कर रहे हैं और ऑर्डर नहीं प्रोवाइड कर रहे वो। हम ऑर्डर मांग रहे हैं, मैंने था जामनगर के थाने से इंचार्ज से मैंने ऑर्डर मांगे, मैंने कहा सर आप ऑर्डर दे दीजिए, मुझे दे रहा हूँ, मैंने कहा दीजिए, बस वो अपने फोन में स्क्रॉल करते रहे, मुझे ऑर्डर नहीं दिए, मैंने कहा अब दीजिए कि इधर आ जाओ साइड में, मुझे साइड में ले गए, इधर से फिर थोड़ा चालू। तो मैनिपुलेट जो करा जा रहा है ना दिल्ली पुलिस के द्वारा या एमसीडी के द्वारा या डीडीए के द्वारा, वो हम सारी चीजें समझ रहे हैं। यहाँ की जनता पागल नहीं है, मेरा घर टूटा है या इन लोगों का घर टूटा है कोई बात नहीं, लेकिन और जो लोग है ना वो सब जाग गए इस बात से कि यहाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। जागे हो नहीं जागे हो भाई?
अच्छा, ये सुप्रीम कोर्ट से बताया जा रहा ऑर्डर आया, अब आप कहाँ जाएंगे इसको लेकर? सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हमें दिखाया ही नहीं गया, तो हम कैसे मान ले सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है ये? मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि मैं आपका लाइसेंस बंद करूंगा मीडिया का, और मैं मीडिया का आपकी आपसे आपका कैमरा छीन लूं, तो आप ये तो बोलोगे भाई तुम वो दिखाओ ना ऑर्डर कहाँ है सुप्रीम कोर्ट का? हमारे बस ऑर्डर ही नहीं दिखा रहे, हमारा घर टूट रहा है, हमारे ऑर्डर नहीं दिखा रहे, बस जबरदस्ती है, निकलो बाहर बस ये। चूंकि पकड़ के जेंट्स ने पुलिस वालों ने हमारी फेंका, मैं मेरी टांग टूटी हुई सर्जरी हो रही है। मैं लॉ स्टूडेंट हूँ, मैं आपको एक बात बता दूं, सुप्रीम कोर्ट कभी डिमोलिशन का ऑर्डर देता है ना, तो वो SGM इंचार्ज और DM इंचार्ज को उस एरिया के सर्वे करने के लिए जरूर भेजता है कि सर्वे करो वहाँ है क्या, वहाँ फैक्ट्रीज है, वहाँ इंडस्ट्री है या वहाँ लोग रह रहे हैं। किसी भी जगह पर 2006 और 2008 और 2011 के DMC एक्ट के थ्रू अगर कोई उससे पहले से रह रहा है ना, तो उसको आप उसके घर से बेघर नहीं कर सकते। 2002 तक के बिल है मेरे घर के, मेरे पास पानी के और बिजली के। इनके 88 तक आपको बिल्कुल इन्फॉर्म नहीं किया गया? हमें कोई इन्फॉर्म नहीं करा गया। 20 साल से रह रहा है यहाँ से, 20 साल से, लेकिन कोई ऑर्डर नहीं, कुछ नहीं, बस दादागिरी है, निकलो बाहर, हम तोड़ना है जी, प्रूफ के साथ। बिजली का वजह रही कि अचानक ही इन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया, यही तो हमारी भी समझ में नहीं आ रहा क्या वजह रही, कोई बताए वजह, जब तो समझ में आए। किसी ने झूठी सच्ची कंप्लेंट करी तो उसने कंप्लेंट करी, क्या कंप्लेंट करी है, क्या ऑर्डर सारे? सर हम घर से बेघर हुए, हम घर से बेघर, हमारा सब कुछ खत्म हो गया। डिमोलिशन में मेरे घर की अलमारियां तोड़ दी, मेरे लॉकर्स तोड़ दिए। डिमोलिशन में आप दीवारें तोड़ोगे ना या जमीन तोड़ोगे, फ्लोर तोड़ोगे? हाउ कैन इट इज पॉसिबल? यू आर ब्रेकिंग माई वॉल, यू आर ब्रेकिंग माई लॉकर्स जिसमें मेरा कीमती सामान है, वो तोड़ दिया। और जब डिमोलिशन होती है ना, तो एक आदमी जो है ना, उस ओनर का जो क्लेम करता है वो मौजूद होता है, जिम्मेदार आदमी, कि सर ये आपके सामने हो रहा है, देखिए अब हम ये तोड़ रहे हैं, अब हम ये तोड़ रहे हैं। हमारे पूरे घर वालों को इस जगह पे भी और इस जगह पे भी, दोनों बिल्डिंगों में सबको बाहर निकाला गया है जबरदस्ती, और बाहर निकाल कर मार मार कर निकाला गया औरतों को, बच्चों को, जवान जवान कर्मचारी जो मर्द है, मेल पुलिस कर्मी जितने भी हैं उन्होंने निकाला है। लेडीज पुलिस थी, लेकिन लेडीज पुलिस ने हाथ नहीं लगाया, वो खुद इतनी इमोशनल हो रही थी कि यार ये क्यों इनका घर तोड़ रहे हैं। मेरे बेटे को कह रहे हैं SHO साहब के तेरा कैरियर बर्बाद कर दूंगा, तुझ पे ऐसे केस लगाऊंगा, कैरियर बर्बाद कर दूंगा, है मेरे बच्चे को गिरा दिया, मेरे की गिरेवान पकड़ के खींच के। SHO साहब नेपाल सिंह यादव जी जो है जामिया नगर थाने के, वो मुझे थ्रेट दे रहे हैं। मैंने कहा सर आप ऑर्डर दे दीजिए मुझे, मेरे घर के कोई भी अगर टूटने के या डिमोलिशन के ऑर्डर है मैं बिल्कुल कोऑपरेट करूंगा आपके साथ। उन्होंने कहा मुझे तू कानून मत सिखा, चुपचाप नीचे आ जा, नहीं तेरा करियर बर्बाद कर दूंगा। दिस वॉज हिज लाइन, ये लाइन थी उनकी। मैं लड़ाई लड़ूंगी हर तरीके से, मैं इंशाल्लाह लड़ाई लड़ूंगी। अच्छा, मैं मेरा जनता साथ दे ना दे, लेकिन मैं अपनी लड़ाई इंशाल्लाह लड़ूंगी, मेरा बेटा और मैं लड़ूंगी इस चीज के लिए कि कैसे घर से बेघर इन्होंने हर किसी को, कोई भी घर से बेघर कर देगा। इंशाल्लाह ओखला के लिए कोई यहाँ पर इस तरीके से कोई किसी को घर से बेघर ना करे। पहले ओखला के लिए डेमोलेशन अब मतलब नहीं है, ओखला वाले ही नहीं खड़े होते, ये जो जनता भी यहाँ खड़ी हुई है ना, ये तमाशा देख रही है। मैं आपको बताऊं इसमें से आधे से ज्यादा लोग तमाशा देख रहे हैं इस वक्त, जो मुस्कुरा रहे हैं पान चबा चबा कर, वो समझ जाएंगे मैं किसे कह रहा हूँ। तो मुस्कुराए ना, नजरें मेरी हर तरफ है इस वक्त, ठीक है? तो सर मैं एक बात कह रहा हूँ, वो समझ जाए जिनको मैं कह रहा हूँ, जो पान चबा कर मुस्कुरा रहे हैं और इधर की बात उधर करते हैं, जो भी लोग होंगे वो, तो आज मेरे घर पे बात आई है, कल को आपके घर पे आएगी, तो दूसरे लोग भी पान चबा कर वहीं पीक थूकेंगे, ये बात याद रखें। मैं एक बात कह रहा हूँ, एक मुहावरा दे रहा हूँ यहाँ सर, हमारे घर पे हुआ, ठीक है, हम ये चाहते हैं कि यहाँ के लोग अब जागें, और यहाँ के लोग जितने भी यहाँ के ब्लैकमेलर एक्सटॉर्शनिस्ट है ना, जो अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन के नाम पर केस कर देते हैं लोगों पे और उनसे पैसों की डिमांड करते हैं, वो भी बराबर में रह रहे, और वो जो बराबर में रह रहे हैं उसी जगह पे रह रहे हैं, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कानूनी कार्रवाई कौन करेगा? पुलिस उनके साथ है। कानूनी कार्रवाई पुलिस करेगी, पुलिस के खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। कौन खड़ा हो रहा है आपके साथ? सर हमारे साथ अभी तक तो यहाँ के कोई नेता नहीं है, जो जितने भी वोट मांगने तो सब आ जाते हैं। आपके MLA साहब कहाँ है? MLA साहब तो सर अभी पता नहीं, वो तो उनका तो खुद बेचारे परेशान है। बाकी जो मौजूदा जो हमारे, क्योंकि MCD के तो सबसे काउंसिलर जो है वो MCD के सबसे ज्यादा
इम्पोर्टेंट है वो यहाँ पे इस एरिया में, वो नहीं है। काउंसिलर साहब आए नहीं, इतनी बड़ी डेमोलिशन हुई है सर, पूरा रोड जाम है। काउंसिलर साहब एक बार तो विजिट करते। मैं कह रहा हूँ, मैं मानता हूँ नहीं बचा सकते, चलिए हमने मान लिया वो नहीं बचा पाएंगे। जनता का दिल रखने के लिए विजिट तो करते, उन्हें ये तो होता है हमारा लीडर आया जिसे हम वोट देते हैं। हम अपने घरों से अपनी छुट्टियां निकालकर, अपना टाइम निकालकर उन्हें वोट दे रहे हैं, और वो यहाँ है नहीं मौजूद। और आपको वोट दिया एक बार तो आप देखने आते हैं कि आप किस कंडीशन में हो। आप रोड पर आ गए, कोई नहीं आया सर। शुएब दानिश यहाँ के मौजूदा काउंसिलर है, नहीं आए सर। और कॉन्टेक्ट, और सर सबसे कॉन्टेक्ट हुआ है, सबको पता है हो रहा है, सबको बुलाया गया है, इन्वाइट करा गया है सबको, लेकिन आए नहीं। आ रहे हैं, कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैंने फोन कर दिया है, ये कर दिया है, मैनिपुलेट करना चीजों को। हम किसी के पास नहीं गए, लोगों ने कॉलें करी हैं, हमें लोगों से ये पता चला है, मालूम सबको है सर, हाईलाइटेड है, जाने लोग हैं, सब जानते हैं, इनको सबको पता है कहाँ पे क्या। नेता को पता नहीं, लीडर को पता नहीं। सर आपका घर किधर है? ये भी मेरा घर है, मेरी बहन है, ये सामने बिल्डिंग अपनी है, सब बहन भाई हैं। तो आपको भी मालूम नहीं था कि क्या होने वाला आगे? कुछ भी नहीं, कुछ ही नहीं, अचानक एकदम से चोरों की तरह घुसे और सब बाहर निकलो और हम तोड़ाई शुरू करें। क्या कार्रवाई? और सुबह मेरे घर में 9 बजे आ गए भाई, 10:40 10 बजे करीब आ गए थे कल। हाँ, दोनों बिल्डिंग टूट रही है, दोनों बिल्डिंग टूट रही है। नहीं, हम भी जाएंगे, कानून के पास जाएंगे, जो भी होगा देखेंगे, लड़ाई लड़ेगी जाएगी। अभी क्या सोचा आप लोगों? जो अभी अभी हमारी ये मांग है प्रशासन से, जो लोगों ने कंप्लेंट करी है वो भी तो अनऑथराइज में ही रह रहे हैं ना, उनका भी टूटना चाहिए। बस इतनी जान है हमारी, हमारी प्रशासन से ये मांगे, वो भी तो अनऑथराइज में, हमारी बगल में, हमारे आमने सामने रह रहे, उनका अनऑथराइज नहीं है, उनका भी तो टूटना चाहिए। कोर्ट को ये भी तो सर्वे करना चाहिए, तू कहाँ रहता है, उसका एड्रेस तो पड़ता कोर्ट कि तू कहाँ रहता है। इसमें तोड़ दिया घर, आपने कोई सर्वे नहीं करा कि कब से रहने, क्या अनऑथराइज है। आप एक बार पेटिशनर का भी तो चेक करिए कि पेटिशनर ऑथराइज में रह रहे हैं या अनऑथराइज में रह रहे हैं। क्या पता पेटिशनर उसी जगह पर रह रहे हो, उसी घर के बराबर में रह रहे हो जिसकी वो अनऑथराइज की कंप्लेंट डाल रहे हैं। ये चीज चेक होनी चाहिए, इसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जिन्होंने कंप्लेंट करी है, अगर वो खुद यहाँ रह रहे हैं ना अनऑथराइज में, तो उनके अभी इसी तरीके से डिमोलिश होना चाहिए। पैसा खाना है, ये पैसे दे देते दोनों बिल्डिंग वाले, तो ये भी कंप्लेंट अपने वापस ले लेते, और बिल्डिंगों पे ले भी रखी है इस आदमी ने, इसकी जांच होनी चाहिए। 2017 से मुझे रिवाल्वर जमा है, 15,000 की जमानत पे ये छूटे हुए हैं, बाप बेटे दोनों, रिवाल्वर इनकी जमा है। सन 2000 मुझे थ्रेट दी जा रही थी कि तेरा मकान तोड़वा दूंगा, तुझे तबाह बर्बाद कर दूंगा, इनसे भी कह रहे थे। मैम जब आपको उस टाइम कह रहे थे, आपने रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई? हमने लिखवाई है, लिखवाई है, हमारे पास सब कुछ है, सबकी रिसीविंग है, जामिया नगर पुलिस स्टेशन। पुलिस सर एक्शन नहीं लेती सर इनके लिए, पुलिस यहाँ पे सर, पुलिस यहाँ पर, मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पुलिस मर्डर के लिए एक्शन नहीं लेती। हम उससे ऊपर जाने की कोशिश करते हैं सर, लेकिन ये लोग इस तरीके से हमें, अब हमें यहाँ बांध दिया ना, हम ऊपर जाते, हमें यहाँ बांध दिया, हमारा घर तोड़ दिया, ऊपर कैसे जाएगा इंसान? अब यही तो मैं प्रशासन से पूछ रहा हूँ, गवर्नमेंट से पूछ रहा हूँ, आपने ये तो तोड़ दिया, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरी फैमिली को लेकर मेरा घर तोड़ दिया आपने, अब मैं कहाँ जाऊँ? मेरा ये सवाल है। आपने बिना किसी नोटिस के, बिना किसी मुझे प्रायर ऑर्डर के, एसएचओ से सवाल किया था? एसएचओ साहब एमसीडी पे डाल देते हैं, एमसीडी डीडीए पे डाल देती है, वो सब मिली भगत है जो भी है। मेरा सवाल है गवर्नमेंट से, अब मेरा सवाल है कोर्ट से, कॉन्स्टिट्यूशन से, कि अब मैं कहाँ जाऊँगा? आप देख सकते हैं यहाँ पर ये 3 बिल्डिंग्स यहाँ पर टूटी हुई, ये देखिए आज बिल्कुल मलबा नीचे अभी समेट रहे हैं, पूरा का पूरा ध्वस्त कर दिया गया है। अब इस बिल्डिंग को देखिए यहाँ पर, ये कल तक फिर भी ठीक थी, लेकिन आज पूरी की पूरी ध्वस्त कर दी गई। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मलबा पूरा अभी उठाने में लगे हुए हैं। ये मुरादी रोड है, बटला हाउस मुरादी रोड, बहुत बिजी रोड है यहाँ पर, लेकिन ये देखिए अभी खाली है। और ये देखिए पूरी, आप ऊपर की तरफ देखिए, ये पूरा का पूरा ध्वस्त किया गया है। पहले कल छत तोड़ी थी, आज नीचे से तोड़ दी गई है। यहाँ के लोग, यहाँ के रहने वाले निवासी कह रहे हैं वो कहाँ जाए। आप यहाँ पर देख सकते हैं रोड पर इनका सामान है, रोड पर बैठे हुए, यहाँ देख लीजिए, ये जो घर पर रह रहे थे यहाँ पर, ये निवास था इनका, और यहाँ पर ये देखिए सब कुछ रोड पर लाकर रख दिया है। और यहाँ के ऊपर बिल्डिंग पे रहने वाले सारे के सारे अभी रोड पर बैठे हुए हैं, ये कहाँ जाए इनका सवाल है। एसएचओ से भी और कोर्ट से भी और यहाँ की आवाम से, पब्लिक से,
यही क्वेश्चन है कि आगे कब तक होता रहेगा और यहाँ की जनता कब तक पिसती रहेगी। ये देखिए यहाँ पर लेडीज है, ये लेडीज का ख्याल भी नहीं किया गया, सब के सब बाहर बैठे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये सब इसी बिल्डिंग में, इन बिल्डिंग्स में रहते थे, और यहाँ देखिए सब कुछ बाहर कल निकाल दिया गया था और इनको भी निकाल कर यहाँ पर बाहर कर दिया गया। मैम आप लोग इसी बिल्डिंग में रहते थे? जी इसी मकान में हम रहते थे, हमें जबरदस्ती निकाला गया है वहाँ से, और सिर्फ 2 मिनट का टाइम दिया था, नोटिस लगाया कल 11 बजे और 11:05 मतलब 2 मिनट का टाइम दिया था उन्होंने, और जबरदस्ती हमें निकाला गया। घर से सामान भी कुछ नहीं निकाला हमने, और SHO ने और जितने भी यहाँ अधिकारी है उन्होंने सबने जबरदस्ती निकाला, मतलब ये रहता है बराबर में पड़ोसी, उसने निकलवाया है हमें सबको, और आज पूरा मतलब पूरा तोड़ दिया है, ऊपर से ले के नीचे तक जमीन से लगवा दिया है, हमें घर से बेघर कर दिया। ये देखो ऑपरेशन हुआ हुआ इनका, और ये मेरी मदर है, इनका इनका घर था, मैं और ये मेरी बहन जी, हम तीनों रहते हैं इस घर में, इसी घर में रहते हैं हम, और हम 10 साल से हैं, ये 20 साल पुराने लेकिन 10 साल से रहती है, 10 साल से इस घर को बना रही थी, ये 25 साल की मेहनत है समझ लीजिए, पूरे पैसे है। पहले नोटिस नहीं दिया गया आप लोगों को? कोई नोटिस नहीं था, कुछ भी नहीं था, कोई नोटिस ही नहीं था, नोटिस लगाया और बस निकाला उन्होंने, नोटिस ऐसे चिपकाया वहाँ पर और उसके बाद जबरदस्ती खींचा गया, ताला उन्होंने ताला लगा था अंदर का भी बाहर का भी, उन्होंने फिर क्या किया ताला तोड़ा, ताला तोड़ने के बाद फिर अंदर से जो लगा हुआ था वो टूटा नहीं, तो फिर उन्होंने दोनों दरवाजे निकाले तोड़े जबरदस्ती, और उन्होंने फिर उसके बाद घसीट के ऊपर से खींचा। ये मेरा भांजा है, SHO ने इसके साथ बदतमीजी की, जबरदस्ती खींची, हमसे मोबाइल छीने गए, वीडियो हम बना रहे थे तो वो वाला ऐसा हम अंदर कर देंगे फौरन, अरेस्ट कर लेंगे 1 मिनट में आपको, नीचे उतरो उतरो फौरन, लेडीज पुलिस कोई भी नहीं थी वहाँ, कोई लेडीज नहीं थी, सारे जेंट्स मर्द थे सारे, उन्होंने हमें निकाला गया, सारे जेंट्स पुलिस के सारे अधिकारी SHO आए थे, SHO ने बदतमीजी की हमसे और हमारी चुटिया पकड़ पकड़ के निकाला घर से, टांग खींच खींच के, एक मेरी को हाथापाई की चोट लगी, सामान भी गायब हुआ है, सामान पूरा कुछ भी निकालने नहीं दिया हमें सामान, उन्होंने लोकर से कुछ भी नहीं निकाला, सारा वहाँ से गायब है, कुछ भी नहीं है वहाँ, अलमारी तोड़ी गई बेडरूम की, इनका बेडरूम था इनकी अलमारी तोड़ी गई और वहाँ से इन्हें फेंका गया, फिर कुछ भी सामान नहीं है वहाँ और हमें कुछ नहीं पता, सारा कीमती सामान, डिमांड ये कर सरकार से, डिमांड है उसका भी टूटना चाहिए, और यहाँ से जो SHO है वो सस्पेंड, जामिया ओखला जामिया नगर का जो SHO उसको सस्पेंड किया जाए, ये सारी उसके उससे मतलूब ने उसको पैसा भरा MCD को और SHO को, उनको सस्पेंड करा जाए। SHO ने बदतमीजी बहुत ज्यादा की है, इनको धक्का दिया, ये ऑपरेशन पेशेंट है, किडनी का ऑपरेशन हुआ 1 महीना हुआ, इनको घसीट के दिखाओ अपनी चोट दिखाओ। आपके साथ क्या बदसुलूकी हुई? मुझे पुलिस वालों ने धक्का मारा और मेरे यहाँ चोट लगी। ये कब की बात है? कल की बात है। कल की बात है, कल से आप लोग यहीं पर हैं? यहीं पर हैं हम तो बाहर ही, कल से क्या कहना चाहेंगे आप? ये बोलेंगे मेरे, मैं तो सारा घर का सामान तहस नहस कर दिया, कोई भी कीमती सामान छोड़ा नहीं है, हाथ पकड़ पकड़ कर इन्होंने घर से बाहर निकाला है। हमारी बहन भी घुटने का ऑपरेशन हुआ हुआ, उनका लंगड़ाती हुई बाहर आई है, इतना बुरा हाल करा है बहुत सारा सामान ऐसे रख दिया था यहाँ पर, नहीं निकाला ना, सिर्फ नोटिस चिपकाया और उसके बाद हमें ताला तोड़ के निकाला, तो नहीं निकाल के फेंका उन्होंने सामान, कल तो उन्होंने हमें ऐसे निकल से, हम बाहर ही है ना रोड पे सड़क पे, हम कल से उन्होंने इस तरीके से किया, आप जाके रोती बिलकती महिलाएं यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाहर बेघर कर दिया गया इनको, और यहाँ देख सकते हैं सामान निकाल ना करना है, कोई कागज है बच्चे के भी कागज है भाई, अपने भी पैसा है, चीज जेवर है, तो ये थोड़ी के एकदम बढ़ जाओ जी घर में एकदम तोड़ दो। बताया जा रहा था कि कोर्ट से ऑर्डर आया, हमारे पास कोई ऑर्डर नहीं था, कुछ आधा घंटा दो घंटे नहीं, सिर्फ 5 मिनट का नोटिस लगाया उन्होंने 11 बजे, उसके बाद 11:05 में उसके बाद उन्होंने अंदर घुसे वो सीधे, बोला निकलो 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 बाहर निकलो, फिर खुद ही अंदर घुसे, सारे जेंट्स पुलिस वाले थे, सारे अधिकारी जेंट्स थे, सारे MCD वाले जेंट्स थे, कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, कोई भी नहीं थी, जबरदस्ती उन्होंने हमें निकाला गया। देखिए घर वाले बता रहे हैं कि जबरदस्ती इनके साथ किया गया और जबरदस्ती इनको निकाला गया घर से, और अभी ये सारे के सारे बेघर हैं, ये बाहर रोड पर बैठे हुए हैं, सारा सामान इनका बिखरा हुआ है बाहर, अभी कोई रहने के लिए इनको जगह नहीं दी गई, ना ही कोई फैसिलिटीज, गर्मी इतनी ज्यादा है, इतनी गर्मी में परेशान है,
आप देख सकते हैं दिल्ली की गर्मी कितनी जबरदस्त है, उसके बावजूद सब बाहर बैठे। आप वहाँ देखिए सामने पुलिसकर्मी अभी भी मौजूद हैं, वो अभी भी जारी है, वो डेमोलिशन इस तरह से कर रहे हैं कि लोग कहीं रह नहीं सकते। तो देखना ये है कि आगे क्या करते हैं, क्या कार्रवाई होती है। बताया जा रहा है कल भी पुलिस आ सकती है और कार्रवाई कर सकती है आगे।